बहराइचर असदुद्दीन अवैसी एमपी और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने एक टीवी चैनल की जानिब से बाबरी मस्जिद मसले पर नरमुहा अखाड़ा के महंत देवेंद्र दास के स्केटिंग ऑपरेशन पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद के मसले को मजाक बना दिया गया है। इस ऑपरेशन में देवेंद्र दास ने दावा किया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियों से बातचीत जारी है और बोर्ड को 1 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक फराहम करते हुए बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि महंत को पहले ये बताना होगा कि इतनी रकम इनके पास कहां से आई है, क्या इनके पास कोई सोने की कान है या फिर इनके पास से पेट्रोल निकल रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज दारुसलाम में बाबरी मस्जिद के मसले पर सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। सदर मजलिस ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में 10 अरकान शामिल है, इनमें 2 मुतवली, 2 वकला, 1 रुकन पार्लियामेंट और 1 रुकन असेंबली भी शामिल है। देवेंद्र दास को ये बताना चाहिए कि किस रुकन से इनकी बात हुई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने दौरे दबीलपुरे डिवीज़न में दूसरे दिन भी पैदल दौरा करते हुए आवाम से रास्त मुलाकात की। नूरखां बाजार चमन के पास आशुरखाना अंजुमन परवाना हुसैन पर मुकामी आवाम ने सदर मजलिस का इस्तकबाल किया। असदुद्दीन अवैसी ने शिया उलमाओं से भी मुलाकात की। इख्तिताम शहरयार वालाजही मंजिल पर हुआ। इस मौके पर शिया उलमाओं की कसीर तादाद मौजूद थी। Romance. Celebrate life. Celebrate dreams. Celebrate beauty. Celebrate your happiness. Celebrate always with us. Mila Furniture.